हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल घर का निराला स्वाद में। आज हम बनाएंगे आलू की स्वादिष्ट सब्जी। इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो इसमें गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, और साथ साथ हम इसके साथ में डाल देंगे थोड़ी सा जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके बाद हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करते करते ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज। अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे कि प्याज जल ना जाए। अब देखिए आप, ये थोड़े थोड़े ब्राउन होते जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे जो मैंने से पहले से ही तैयार कर ली थी। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे, और जब इसका पूरी तरह से मसाला पक जाएगा तब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अब आप देखिए, मसाला पक चुका है, देखिए पूरी तरह से पक गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, देखिए, और इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इसमें मिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच अमचूर का पाउडर। अमचूर का पाउडर मिलाने के बाद में हम इसमें मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, मिक्स करने के बाद में ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसमें 5 से 6 उबले हुए आलूओं को काट कर मिलाएंगे, जो कि मैंने पहले से काट कर रखे हैं। अब आप देखिए, अब हम इसमें उबले हुए आलू मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने इस साइज़ में रखे हैं, आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप वो साइज़ में रख सकते हैं, चाहे आप छोटे रखें या इससे बड़े साइज़ में रखें। डाइस इसके काट करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे हम इसे। जब तक ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब ये इसमें अब हम हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। आप देखिए, अब इसे हम मिक्स करेंगे, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें पूरी तरह मसाला ऊपर आ जाएगा इसके। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद जितने सुंदर लग रहे हैं उतने ही खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप एक बार आजमाइएगा।